जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, ओम नमः शिवाय। रीम रीम ओम नमः शिवाय। रीम ओम ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदना नमत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदना नमत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम ओम ओम। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य के जीवन में, इस पूरे जीवन काल में कई बार ऊंच नीच होती है। कभी मनुष्य बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है, तो कभी अचानक पूरा गरीब बन जाता है। कभी मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है, तो बहुत सुखी भी हो जाता है। यह एक जीवन चक्र है। इसमें चित भी होती है, कभी कभी पट भी होती है, और कभी भगवान को याद भी करना पड़ता है। कुछ कुछ मनुष्य के जीवन में जवानी में ही दरिद्रता आ जाती है। ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जो उसको मुख्य समय होता है पैसा कमाने का, उस समय पे वो पैसे को बर्बाद करता है। जहां पैसा लगाता है डूबता जाता है, जहां लगाता है पैसा डूबता जाता है, ऋण चढ़ जाता है, और उसका आगे का जीवन 5-7 साल ऋण में ही जीता है, टेंशन में जीता है। और उसके बाद में फिर उसका जीवन परिवर्तन होता है, तब पैसे उसके पास आना प्रारंभ होते हैं जब वो ग्रह चला जाता है। तो नॉर्मली केतु ग्रह की वजह से मनुष्य दरिद्री हो जाता है, राहु की वजह से दरिद्री हो जाता है, शनि की वजह से दरिद्री हो जाता है। और ज्योतिष की तरफ यदि जाकर के देखें तो अपनी पत्रिका में यदि द्वितीय भाव में यदि खराब ग्रह बैठ गए तो निश्चित तौर से आपके जीवन में दरिद्रता अवश्य आएगी। तो इस दरिद्रता को यदि मालूम हो बचपन से मनुष्य को, उसके माता पिता बचपन में बच्चे को बता दे कि तेरे जीवन में दरिद्रता आने वाली है और इसका ये उपाय है, यदि वो संपूर्ण जीवन भर ये उपाय करता रहता है तो उसके जीवन में दरिद्रता तो आएगी परंतु उसे कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, तो उसमें दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं आएगी। इन्हीं के लिए दारिद्र दहन स्त्रोत का निर्माण किया गया। ये दारिद्र दहन स्त्रोत जो है मनुष्य के जीवन में दरिद्रता को जला देता है, और इस स्त्रोत को वशिष्ठ मुनि के द्वारा बनाया गया है। ईश्वर के प्रति समर्पित है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का तरीका है, और भगवान शिव से धन वैभव की प्राप्ति के लिए यह दारिद्र दहन स्त्रोत बहुत अच्छा माना गया है। बहुत से मनुष्यों ने इसका प्रयोग भी किया है और उनके जीवन में दरिद्रता नहीं आई है। इस स्त्रोत की रचना जो है महर्षि वशिष्ठ मुनि द्वारा की गई है। वैसे तो इस स्त्रोत का नित्य पाठ करना भी बहुत शुभ माना गया है, लेकिन श्रावण मास में इसका पाठ करना कम से कम 11-21-51 बार बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, और सावन के महीने में रुद्र अभिषेक करना भी अच्छा माना गया है। दारिद्र दहन स्त्रोत के पाठ से दरिद्रता का नाश हो जाता है, जल जाती है दरिद्रता, और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्त्रोत का पाठ करने मात्र से ही धन वैभव की प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। मनुष्य प्रयास करेगा, प्रयास में सफलता अवश्य मिलती है। हमारे पास बहुत से मनुष्यों के फोन आते हैं कि हम दरिद्री हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं, बीमारी में पैसा लगाते रहते हैं, और
दुकानदारी बंद हो गई है, तो मैं उन सब से यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में दरिद्रता आ गई, उसका नाश करना चाहते हो, तो इस स्त्रोत को रोजाना कम से कम 108 बार आपको बोलना है घी का दीपक लगा के, और इस स्त्रोत का बोल करके 11 बार गूगल को घी में डुबो करके आहुति देना है, तो आपके जीवन में धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे और दरिद्रता जल जाएगी। आइए प्रयास करिए, क्योंकि आप प्रयास करना नहीं चाहते, या तो आपको ज्ञान नहीं क्योंकि आपने कभी गुरु दीक्षा नहीं दी और न गुरु ने यह बताया, और न ही आपके माता पिता ने यह समझाया, ना आपके यार दोस्त ने समझाया, ना आपके भाइयों ने यह चीज समझाई आपको। तो अपने जीवन में यदि आपके दरिद्रता है या दरिद्रता की संभावना भी है जन्म पत्रिका के अनुसार, तो इस स्त्रोत को 108 बार रोजाना पाठ करने का प्रयास करें और 11 बार गूगल को घी में डुबो करके हवन करने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आपकी दरिद्रता जल जाएगी। अब इस दारिद्र दहन स्त्रोत को कैसे पाठ करते हैं? इस स्त्रोत का पाठ करने के लिए किसी गुरु से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्त्रोत है, यह मंत्र नहीं है। कोई मंत्र होता है तो गुरु से मंत्र लेना पड़ता है, परंतु यह स्त्रोत है। इस स्त्रोत का पाठ करने के लिए किसी भी गुरु की, गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मनुष्य को अपने जीवन में मृत्यु के पहले तक एक कोई ना कोई गुरु अवश्य बना लेना चाहिए जिस पे आपको विश्वास हो, ताकि आपकी वह धारा गुरु, परम गुरु, परमेश्वरी गुरु और तत्परात्पर गुरु तक आपकी बात चली जाए, और उनका कनेक्शन ईश्वर से होता है, ताकि आपकी बात, आप जो प्रार्थना करें, आप जो स्तुति करें, आप जो स्त्रोत का पाठ करें, वह स्तुति गुरु तत्व के माध्यम से उस ईश्वर तक पहुंच जाए जिससे आप अपने दरिद्र का नाश करने की प्रार्थना करते हैं। तो यह स्त्रोत शिव जी को समर्पित है, शिव जी के लिए ही वशिष्ठ मुनि ने शिव जी से प्रार्थना की है। ऐसे दरिद्र का नाश करने के लिए शिव तांडव स्त्रोत भी होता है। यदि कोई मनुष्य रोजाना शिव तांडव स्त्रोत 5 बार 11 बार पाठ करता है, तो उसके भी दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो ये दो स्त्रोत ऐसे हैं शिव जी के, जिनसे आपके दरिद्रता का नाश होने के बाद में आपको लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो ये स्त्रोत दारिद्र दहन स्त्रोत है क्या, वह हम आपको बता रहे हैं। इसका पाठ करने से धन वैभव की प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे ही बनेंगे। शुद्ध समर्पण भाव से आप ये पाठ करें। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणा विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कलांतकाय भुजगादीपंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्रदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्ति प्रियाय भवरोगभयापहाय
उग्राय दुर्ग भव सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनत्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। चरमांबराय शव भस्म विलेपनाय बालेक्षणाय मणिकुंडलमंडिताय मंजीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुष्पभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं श्रोतं सर्वरोगनिवारणं सर्वसंपत्करं शीघ्रं पुत्रपोत्र अभिवर्दनं त्रिसंध्येयः पठे नित्यं संहि स्वर्गा मवाप्नुयात। तो इस प्रकार से यह दारिद्र दहन स्त्रोत है, इसका पाठ सुबह शाम पढ़ने से एक महीने लगातार पढ़ा जाए तो कैसा भी दरिद्री घर हो, कितनी भी बेरोजगारी हो, दरिद्रता का नाश हो जाएगा और लक्ष्मी जी की कृपा आपके पास अवश्य प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।